हाय गाइस, हाय। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं हूँ शिवांग, जो जैसे कि आपको पहले इंट्रो वीडियो में मैंने बताया था। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं द नेशनल वॉलेंस मॉन्यूमेंट, जो कि वॉलेस वॉलेस मॉन्यूमेंट। ओके वॉलेस तो वो स्टर्लिंग में है और स्कॉटलैंड में। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे और आपको सारा कुछ दिखाएंगे कि वो इसका व्यू कैसा है, कैसे जा सकते हो, क्या टिकट्स है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। और ये है मेरी वाइफ रिंकल। हाय। या सो गाइस, दिस इज द नेशनल वॉलेस मॉन्यूमेंट, जो कि सर विलियम वॉलेस, जो कि एक स्कॉटिश हीरो हुआ करते थे, उनको कमोमरेट करने के लिए ये बनाया गया। तो द मॉन्यूमेंट इन टोटल ये है 22 फीट हाई और टोटल इसके अंदर है 246 स्टेप्स, एंड इसको डिवाइड किया है 4-5 इक्वल पार्ट्स में। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर एंड देन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर, जिससे कि आप हाथों स्कॉटलैंड के हाथ से ऑल ओवर व्यू देख सकते हो। स्टार्टिंग विद द ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे दो चीज़ें हैं, द कीपर्स लॉज एंड द टावर शॉप। तो शॉप है वो एक गिफ्ट शॉप है, जहाँ पे आप स्कॉटिश गिफ्ट, विस्की, रोज़ेस सारा खरीद सकते हो। इसके अलावा जो कीपर्स लॉज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे जाके कोई भी इंसान गिफ्ट कर सकता है, बैठ सकता है। उसके अलावा एक वॉशरूम भी वहीं पर अवेलेबल है। अगर उसके बाद आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे या फिर टॉप फ्लोर पे जाना है, तो उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि पर एडल्ट 10.75 है काउंट। एंड काफ़ी नैरो स्टेप्स होते हैं, तो वहाँ से चढ़ के आपको ऊपर जाना रहता है। टोटल 246 स्टेप्स है, और फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो उसे कहा जाता है द हॉल ऑफ आर्म्स। सो आफ्टर हॉल ऑफ आर्म्स, यहाँ पे है ये जो मूवी चल रही है, ये वो सर वॉलेंस के बारे में है कि उन्होंने कैसे फाइट किया था और वो सब है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये पूरी मूवी है वो वहाँ पे दिखाई जाती है। और उसके बाद में टॉप फ्लोर आता है, टॉप फ्लोर से बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है स्टर्लिंग सिटी का, जो हमने काफ़ी इंजॉय किया था। और आप भी इंजॉय करो इस वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट बनाते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यू कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो।